तो मुझे एक बात बता, तुम्हारे अंदर ऐसी स्पेशल चीज क्या है जो बाकी बच्चों के पास नहीं है? मेरी थर्ड आई, उसके बाद अगर आप मुझे आंखों पे पट्टी बांधी हूँ मैं, अगर आप मुझे कोई बुक दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, मैं उसको पढ़ूंगी। पर मम्मी मुझे ज्यादा तो उससे मारती है। किससे मारती है? पापा की लाडली परी है तू तो। वही तो कहते हैं, हाँ। पापा की परी, मम्मी की काम वाली बाई। अरे बाप रे। क्या बोलना, मुझे नहीं पता। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। नमस्कार मंडळी, मी महेंद्र भांगे आपलं उचापती कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतोय. आज आपल्यासोबत अशी एक नटकट व्यक्ती आहे, चला मी सांगण्यापेक्षा तिच्या तोंडानच तिच्या ओळख करून घेऊया. काय सांगशील, तुझं नाव? माझं नाव पुष्टी दिलीप कुमार गुप्ता. ओके, अभी क्या करती हो तुम? अभी मैं मेरी एक मेरे स्कूल बंद हुए हैं, इसलिए मैं घर पे खेलती हूँ, बाहर खेलती हूँ अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी पढ़ाई करती हूँ. अच्छा, पढ़ाई करती है? सच में? ओके. मेरे टीचर ने स्कूल में से नोट्स भेजे हैं करने के लिए. छुट्टियों में भी नोट्स भेजे? अच्छा, तुम्हें आराम नहीं मिलता? मिलता है ना, सुबह. अच्छा, सुबह मिलता है. ओके, दिन भर नहीं मिलता? दिन भर मैं खेलती हूँ, रात को पढ़ाई करती हूँ. अच्छा, दिन भर खेलती हो, रात को पढ़ाई, सोती कब हो? अरे रात के उतने नहीं, दोपहर को ये लोग सोते हैं, मैं अपना बैठ के पढ़ाई करती रहती हूँ. अच्छा, दोपहर को सोते रहते हैं. दोपहर को? अच्छा, जब जब वो सोते हैं तभी तू पढ़ाई करती है? मैं अपने रूम में जाके आराम से पढ़ाई करती हूँ. हाँ, क्या कितने मार्क्स मिलते हैं तुम्हें इस बार? तो मुझे मार्क्स मिले हैं, पर मुझे अभी पता नहीं है टोटल कितने हैं मेरे. अच्छा, अभी कौन से स्टैंडर्ड में है तू? थर्ड. थर्ड में? वाह. तुम्हारे स्कूल का नाम? मेरा स्कूल का नाम बर्ड इंटरनेशनल स्कूल. बर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ओके. अभी स्टैंडर्ड तुम्हारे कौन से है? थर्ड. पलाश. स्टैंडर्ड पलाश, ओके. ये पलाश क्या होता है? पलाश एक फूल का नाम है. फूल? अच्छा, पलाश. पलाश. अच्छा, पलाश. बर्ड्स में पलाश का एक होता है ना. वो है. ओके, सब्जेक्ट कौन सा पसंद है तुम्हें? मुझे हिंदी और मराठी और मैथ्स पसंद है. क्यों पसंद है? क्योंकि मैथ्स में एडिशन सब क्या होता है, कितने सिंपल. अच्छा. मराठी और हिंदी तो एक ही होता है सिंपल, क्योंकि हिंदी तो मैं बोलती हूँ तो हिंदी तो मुझे आएगा. मराठी हिंदी में मिक्स है, इसलिए मराठी भी सिंपल हो गया. ओके. हिंदी के जैसा. ओके. उसके वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं बस, वर्ड्स. ओके, तुम्हें मराठी आती है? हाँ, हो. वाह. हाँ, हो. ओके, तर अपन मराठीत बोलूया. हो. चालेल ना? हो. ओके, तुला खेळायला आवडतं? हो. काय काय खेळतेस? मी लपाछुपी खेळते, लोकंगी खेळते, डोंगर पाणी खेळते. ए, लुकाछुपी काय असतं? ए, तुम्हाला येते नाही का? नाही, मला नाही, पण आपल्या ऑडियन्सला माहित नाही ना, म्हणून त्यांना सांगणार कसं ते. ओके. लपाछुपी में काय करायचं? नाईन नहा लोंग लावते. काय काय? नाईन नाईन नाईन. ओके, नऊ. हा हा, लगते लोंग. ओके, ठीक आहे, हिंदी में बात कर. चलो, हिंदी में बात कर. चलो, मतलब नाइन लोग लगते हैं उसके लिए. ओके. तो उसमें एक जन डेन घेता और ये सगले जन लपते. अतः पहले डेनर ने किसी ला ढूंढ लो और ते आउट हो लो, फिर सगले ने ढूंढ लाया, तीना सगले ला ढूंढ लो और कोने तीना ला धप्पा नहीं केलो. तो जो पहला आउट हो लो ते डेन घेरा जाना, कोने तेला धप्पा केलो तो ते बसना और फिर से रिटर्न जाना थे जो थे. ओके, बहुत बढ़िया. तर आता काय करते सध्या तू? म्हणजे अभ्यास वगैरे, खेळणं वगैरे सगळं चालू तुझं? ओके, तुला मोठं होऊन काय व्हायचंय? मला मोठं होऊन मेकअप आर्टिस्ट. का बरं, मेकअप आर्टिस्ट का?
मला मेकअप करायला खूप आवडतो. हा ते दिसते. पण का म्हणजे मेकअप आर्टिस्टच का आवडत तुला? मला मेकअप आर्टिस्ट खूप खूप आवडते. कोणाचं बघून? कोणी करत घरामध्ये? हा घरामध्ये कोणी मेकअप करत? नाही नाही. मग कोणाचं बघून? माझ्या घुटचा बघून मी करते ना मेकअप. अच्छा तू स्वतःच बघून करतेस? हो त्याच्यासाठी मला मेकअप आर्टिस्ट बनायचंय. त्याच्यासाठीच? दुसऱ्यांसाठी नाही बनायचं तुला? जाता ग्राहक येणार त्याचाही तुम्ही मेकअप करणार ना. ओके हा. तुम्हारी खूबिया बताओ ना मुझे, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई भी अच्छी लगती है, और मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, फोन देखना, इतने चीजें मुझे देखना बहुत अच्छी लगती है. अच्छा पढ़ाई भी अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी करती हूँ पढ़ाई. मतलब सबसे अच्छा टीवी देखना, फोन देखना, ये अच्छा लगता है? खेलना अच्छा लगता है? हाँ सबसे ज्यादा मुझे खेलना अच्छा लगता है. ओके तो मुझे एक बात बता, तुम्हारे अंदर ऐसी स्पेशल चीज क्या है जो बाकी बच्चों के पास नहीं है? मेरी थर्ड आई. थर्ड आई बोले तो? तीसरी आंख. अरे हाँ वो तो समझ में आया ना मुझे, थर्ड आई बोले तो तीसरी आंख, लेकिन क्या रहता है उसमें? सुपर पावर में हम क्या करते हैं, आंखों पे पट्टी बांधते हैं. अच्छा. आप अगर मैं 5-10 मिनट में बैठूंगी, मैं नंबर्स देखूंगी, मतलब इधर से मैं नंबर्स देखूंगी, फिर मैं नंबर देखने के बाद मैं फ्लावर देखूंगी, ऊ देखूंगी, ऊ होता है ना शंकर का, ऊ वो देखूंगी. उसके बाद अगर आप मुझे आंखों पे पट्टी बांधी हूँ मैं, अगर आप मुझे कोई बुक दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, मैं उसको पढ़ूंगी. अच्छा आग बंद रहेंगे तुम्हारे? हाँ नहीं, अंदर से आपका हाथ भी लगा लो तो. अच्छा तो चलेगा, एक बार टेस्ट करें हम. टेस्ट कर ले फिर. और कितना समय चाहिए तुम्हें? आप कभी भी दे सकते हो मुझे. अभी भी? हाँ दे सकते हो. ओके तो हमारे पास अभी 1 लो. ये क्या है? ये किताब है. अच्छा उसका कलर बता दे मुझे. आगे तरफ का के पीछे तरफ का? दोनों तरफ का बारी बारी करके. ये ऑरेंज कलर है. इसका ये रेड कलर का लिखा है. अच्छा. और ये व्हाइट कलर है. ओके एक मिनट. हाँ ये ऑरेंज कलर है, ये रेड कलर का, व्हाइट कलर का. ओके अभी एक बार ये नाम देखो आप. ये बीच वाला नाम बता देना. कौन सा? हाँ जो है उस पे बड़ा वाला, सबसे बड़ा है. ये वाला? हाँ टी टाको इक्की मात्रा टी 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 टी. अच्छा क्या होता है वो? टी 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 टी. ओके और मैं ये भी पढ़ सकती हूँ ऊपर का रेड कलर का. बोलो. डी आर डी डी एच ए एन के ए आर एस. यस देखते हैं. देखो ओके अभी हम क्या करेंगे, एक बीच में से कहीं से भी एक पन्ना उसको दिखाएंगे, उसका नंबर वो याद देखेगी कहीं से भी. इतनी बड़ी किताब है तो ऐसा नहीं कि मतलब वो याद रखेगी. ओके यहीं पे जहाँ पे उसकी उंगली रखेगी वो वाला पन्ना. ओके हाथ कर दे, हाथ कर एक बार, एक बीच में हाथ अंदर दा. ओके ठीक है. उस पेज का नंबर बता दे. वन ये वन है, टू वन टू नाइन, वन टू नाइन. अभी आप देख सकते हो 129.
देखो 1 2 9 ये नंबरिंग कलर है। अभी दूसरा पुस्तक लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा किताब है। कहीं से भी एक उठाएंगे, उसका नंबर ले देखेंगे पहले पहले एक चेक करेंगे। ये किस चीज की किताब है? इधर मारी गोल्ड लिखा है। ये पुस्तक सीधा पकड़ा है या उल्टा पकड़ा तूने? उल्टा पकड़ा है, ये हुआ सीधा। अच्छा, ऐसे सीधा होता है। हाँ, और ये मारी गोल्ड है। रुको 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 रुको, मारी गोल्ड है वो। हाँ ओके, अभी वो दिख रहा है आपको मारी गोल्ड। ओके, अभी बीच में से कहीं से भी एक पन्ना उठाऊंगा। ओके, उसमें का ऊपर का नाम बता देना जो भी है। ओके, नंबरिंग बता देना है, ठीक है? ऐसे उंगली डालने के बीच में। ओके, चालू है, डालो। ओके चलो, इसका पेज नंबर, हाँ पेज नंबर फोल्ड है, उसमें पेज नंबर नहीं, उधर ही है। हाँ, 46। ओके 46, एक मिनट दे इधर, नहीं एक मिनट दे, ये देखो 46। ओके, अभी ये क्या है? ना? क्या है मतलब इस पेज पे क्या है? ये रीडिंग है, मतलब ये लेसन है। तो अच्छा, WIND विंड एंड द सन। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत हो गया। आप देख सकते हो इतना बड़ा टैलेंट है। यस यस, खोल दे खोल दे, द विंड एंड द सन। ओके, ये कहाँ से सीखा तुमने? कहाँ से सीखा तुमने? वो एक क्लास रहती है, उसमें से सीखा है। अच्छा, एक क्लास है। ये तो तुम्हारे पास तो फिर सुपर पावर हो गई। यस, मुझे भी सिखाना पड़ेगा। भाई सिखाओगी? यस। कब सिखाओगी बोलो अभी? जब आप को सीखना है तब। अच्छा ओके, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पापा मम्मी भी, दोनों करते हैं सबसे ज्यादा प्यार। सबको छोड़ के सबसे ज्यादा प्यार मेरे मम्मी पापा करते हैं। अच्छा, और तू किससे प्यार करती फिर सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पापा। क्यों? मुझे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों, पापा क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि पापा बहुत मुझे प्यार करते हैं। मम्मी नहीं करती? मम्मी भी करती है। तो फिर पर मम्मी मुझे ज्यादा तो उससे मारती है। किससे मारती है? पढ़ाई ना करो तो मारेगी। अच्छा, हाँ तो फिर पढ़ाई ना करोगे तो मारेगी ना? तो मैं कभी कभी मन नहीं करते तो पढ़ाई नहीं करती। अच्छा, तो पापा तुम्हें मतलब पढ़ाई ना करे तो डांटते नहीं? पापा भी। अच्छा पापा भी, चलो ये साइड में रख दो इसको। पापा भी बहुत प्यार करते हैं। बहुत करते प्यार। पापा, अगर पापा की बात सुनो तो पापा मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, अगर पापा ने बोला, अगर पापा की बात नहीं सुनेगा तो तू भी नहीं सुनेगी? पापा मुझसे बात करना ही बंद कर देंगे तो मेरी विश पूरी कौन करेगा? अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे विश तो मेरे पापा ही करते हैं पूरी। मतलब तुम्हारी विश पूरी करने के लिए तो सबसे ज्यादा प्यार पापा को करती है? नहीं, हाँ उसके लिए नहीं। हाँ फिर? विश मांगने के लिए नहीं। हाँ, पढ़ाई के लिए भी। पढ़ाई के लिए भी, सबके लिए प्यार। अगर सोच आज से तुम्हारे विश पूरे मतलब बंद कर दिए जाए तो किससे प्यार करेगी? मम्मी से, पापा से? पापा से ही करूंगी। क्यों? अभी विश बंद हो गए थे ना? विश बंद होने के बाद में मैं पापा से प्यार करूंगी, पापा को छोड़ूंगी नहीं। क्यों, क्या है उनमें ऐसा? क्या है? मम्मी को क्यों नहीं पकड़ोगे फिर? मम्मी मारती है विश अगर मॉल जाएगी। हाँ, तो लाएगी सामान बस। अच्छा, पढ़ाई के लाएगी? अच्छा, खेलने की नहीं लाएगी? नहीं। खाने पीने की नहीं लाएगी? खाने पीने की जब मैं बोलूंगी तभी लाएगी। हाँ, चॉकलेट तो वगैरह लाएगी, पर मुझे खेलने का कुछ सामान नहीं लाएगी। सारे खेलने के सामान पापा लाएंगे। अच्छा, तो ऐसा समझो पापा ने नहीं लाया तो भी मैं किसी से, अगर पापा नहीं ला के देंगे तो भी मैं किसी को नहीं बोलूंगी लाने के लिए। जिसको मैं जो बोलती हूँ उसको मैं वो बोलूंगी। मैं पापा को हमेशा बोलती हूँ खिलौने को, अगर पापा ने मुझे खिलौना लाना बंद कर दिया तो भी मैं किसी से नहीं बोलने वाली, मुझे खिलौना दो। हाँ तो फिर प्यार किससे करेगी फिर?
पप्पा से ओनली खिलौना बंद कर दिया था बीबी। अच्छा सही है, पापा की लाडली परी है तू तो। तू वही तो कहता है पापा की परी मम्मी की काम वाली बाई। अरे बाप रे। सही है। मम्मी की काम वाली बाई क्यों? किचन मम्मी हमेशा बोलती है सब्जी काटो। अच्छा। खाना बनाओ रोटी बनाओ। तुम्हें रोटी बनानी आती है? हाँ। क्या बात करती है? सच में अभी से मम्मी कहती है। हाँ नहीं मम्मी कहती है नहीं दूध ले मम्मी की काम वाली भाई दूध लेके आओ झाड़ू पोछा करो घर पे। अच्छा। ये सब जो क्लीन किया वो मैंने ही तो किया। चल झूठी आज भी आज ही बस मौसी ने किया है। अच्छा रोज तो वही करती हूँ जब ये दोनों नहीं रहते। अच्छा क्यों मतलब ऐसा तुझ पे अत्याचार क्यों करते हो? अत्याचार नहीं। हाँ, फिर? वो YouTube चैनल हमेशा बोलता है पापा की परी मम्मी की काम वाली बाई रहो हमेशा मम्मी की काम वाली बाई। अरे बाप रे अभी देखा ऐसा मम्मी देखेगी तो फिर तुम्हें सच में काम वाली बाई बता देगी। बनाएगी भी तो कब? अभी बना ही देगी फिर तो अभी बोल रही बनाने है की हिम्मत भी नहीं है उसको। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी तो पढ़ाई नहीं होगी। अगर उसने मुझे काम वाली बाई बनाया उसको मुझसे पढ़ाई चाहिए। अगर वो मुझे काम वाली बाई बनाएगी तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। मम्मी को पढ़ाई चाहिए तो कैसे बनाएगी वो काम वाली बाई। वाह 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 टैलेंटेड है। सही है तो पुष्टि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन मारता है? सबसे ज्यादा काम वाली बाई है मम्मी। मारते मम्मी क्यों? पढ़ाई ना करो इसलिए। अरे फिर वही बात पढ़ाई और सब जगह पढ़ाई चाहिए। अगर मैं गांव जाऊंगी तो भी पढ़ाई करो इधर जाऊं रहूंगी तो भी पढ़ाई करो। अच्छा कहीं भी जाऊंगी पढ़ाई करो। एक क्वेश्चन मेन रह गया कि तू गांव में गई है हमारे गांव ओके वहां रहना पसंद है तुम्हें? नहीं। क्यों? क्योंकि तो बहुत सारी नाली है अगर उधर पैर चला गया तो। पैर चला गया तो? हाँ। गया तो नहीं ना? गया है बहुत बार। क्या बात करती हो? हाँ? हाँ, क्यों मतलब कैसे? कभी भी उधर खेलो हाँ? नाली में पैर जाएगा। अच्छा इतनी बड़ी सिटी नहीं है जो खेलने के लिए सब जगह नाली है ऊंची 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 सीढ़ियों पे के नीचे नीचे नाली है। ओके पैर चला जाए कुछ चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सिटी? सिटी में कुछ नहीं है साधारण सिटी कुछ नहीं खेलो कूदो कुछ करो। अच्छा ओके तो एक ऑडियंस को बता दो क्या जो तुम्हारे उम्र के बच्चे हैं ओके तो उनको क्या बोलूं? एक भी बच्चे नहीं है। अरे जो देखने वाले वो बोल रहा हूँ ओके नहीं बड़े भी देखने वाले लेकिन उनके बच्चे ले लो ओके तो क्या बोलोगी उनको क्या बताओगी? मैं उनको ये बोलूंगी कैमरे में बोल के देख इधर माउस की तरफ मत देखना। मैं ये बोलूंगी हाँ। सब बच्चों को हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए और हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए और अगर वो पढ़ाई करेंगे तो वो बड़े होकर कुछ बन जाएंगे अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई रहती है। वाह वाह क्या बात है। पुष्टि तुला आपल्या उत्सवपती कार्यक्रमामध्ये येऊन कसं वाटलं? खूप छान वाटलं का बरं? आम्ही गप्पे मारते खूप मजे केले आपण आम्ही त्याच्यासाठी। अच्छा तू हिंदी में बात कर ओके हम लोग ने बहुत सारी बातें की मजे किए इसलिए मुझे मजा आया। अच्छा तो क्या कहोगी ऑडियंस को? ऑडियंस को हाँ अभी चैनल है ना हमारा तो लाइक शेयर कुछ बोलोगे नहीं तो बोलो ना फिर मेरे चैनल क्या बोलना मुझे नहीं पता। हमारे चैनल को लाइक करो शेयर करो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताओ ओके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ओके और वो साइड में जो बेल आइकॉन का घंटा दिया है ना वो दबाओ। आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूले।
बेल आंटी, बेल बेल आइकॉन, ओके ओके ठीक है। हाँ, और शेयर करना ना भूलिए। आपको वीडियो कैसा लगा, इसका टैलेंट कैसे लगा, वो आप कमेंट में जरूर बताएगा। तब तक धन्यवाद। धन्यवाद ओके चलो।